देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वो बिल्कुल वैसे ही फाइंड किया जा सकता है जैसे बार मैग्नेट में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है सॉलिनॉइड का? बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए सॉलिनॉइड इज जस्ट लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट, बिल्कुल बार मैग्नेट की। तुम्हें अगर डायरेक्शन पता करना है उस किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या करो, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखो यानी कि कंपास नीडल रखो, और कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दैट पॉइंट। अब आते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी कैसे फाइंड करें? पोलैरिटी फाइंड करने के दो तरीके। अगर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है या फिर एक तुम्हारे पास कंपास नीडल है, तो उसे यूज़ करके पता कर सकते हो पोलैरिटी। लेकिन अगर कंपास नीडल या वो नहीं है तुम्हारे पास, कोई बार मैग्नेट नहीं है, तो फिर कैसे पता करो? तब हम पता करने के लिए यूज़ करते हैं क्लॉक फेस रूल। पोलैरिटी ऑफ द फेस ऑफ अ सॉलिनॉइड कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। मैं एक एग्जांपल शो करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं यहाँ एक सॉफ्ट आयरन कोर बना, ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर बना दी। समझने की कोशिश करना, करंट जो है ना, ये वायर जो है पीछे की साइड से आ रहा है, ये वायर पीछे की साइड से आया। अब हम इसमें डायरेक्शन देखेंगे करंट का। करंट ऐसे जा रहा है यानी कि ऐसे, ऐसे तो आएगा करंट। अब इस स्पेस में देखो करंट कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम यहां खड़े हैं, यहां पे ये हम खड़े, और हम इसे ऐसे देखेंगे करंट को, इधर से आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़े हम, यहां से देखें तो करंट क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। ठीक है, एक और डायग्राम देखते हैं। यहाँ खड़ा है कोई हमारा दोस्त लुलू, ठीक है। अब उस लुलू ने यहाँ देखा तो करंट कैसे डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल। और यहाँ जो हमारा दोस्त लुलू खड़ा है फेसिंग इस दिस साइड, ठीक है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? साउथ। बस इतनी सी बात है, हमें ये देखना है कि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? इसमें करंट जो है ना कॉइल के पीछे की साइड से आ रहा है, और इसमें करंट सामने से जा रहा है। अब तुम करोगे क्या, एक पेन ले लो या कुछ ले लो, उसके ऊपर एक टाई लपेट, ठीक है। अब टाई लपेट के तुम उसमें देख सकते हो कि वो टाई ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है। अगर ऐसे जा रही है, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, और तुम यहाँ खड़े हो, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर तुम टाई ऐसे है तुम्हारे पास में, और तुम ऐसे, ये ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये तो कोर हो गई, पेन हो गया, और टाई ऐसे आ रही है, तुम यहाँ खड़े हो, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस इतना तुम्हें नोटिस कर, ठीक है। अगर ये तुमने नोटिस कर लिया तो ये जो डायग्राम थे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया कोई नहीं, बता देना मेरे को, मैं दूसरे तरीके समझाऊंगा इसे।